बिसमीम् अल्लामक व्ल मोहतरम नाजरीन आज हमें एक बहुत अहम सवाल का सामना है वो ये कि क्या हम एक आज़ाद कौम हैं हकीकत ये है कि किसी सियासी या दीनी रहनमां के लिए कैदो बंद की ओबत एक मामूल की बात है जमात दावा के रहनमां प्रोफ़ेसर हाफ़ सईद अगरचे घर में नज़रबंद किए गए हैं लेकिन ये एक पाबंदी है और इंसानी फितरत कभी पाबंदी कबूल नहीं करती किसी भी इंसान को अपने घर में बैठ रहने में क्या तकलीफ हो सकती है लेकिन अगर ये किसी हुक्म से और जबर से है तो यह नाकबले कबूल है ये किसी मतहरक और फ़ाल इंसान के लिए तो इंतहाई तकलीफ़ दे है और ये बात अज़ीज़ अजीयत में मज़ीद इजाफ़ा कर देती है कि महबूस को उसका जुर्म भी नहीं बताया गया कानून का गलत सहारा लेकर एक इंसान की आज़ादी ख़त्म कर दी गई लिहाजा हमें इसका अफसोस भी है और हाफ़ साहब से हमदर्दी भी लेकिन जो सोच जान का अजाब बन गई है वो ये कि चंद माह बाद चौदह अगस्त को आज़ादी के ऐलान को सत्तर साल मुकम्मल हो जाएंगे अगर ये लान शुदा आज़ादी हकीकी आज़ादी में बदल जाए यानी हम वाक़ता एक आज़ाद कौम बन कर अपनी आज़ाद मर्जी से फ़ैसले कर सकें हालात तो व वाक़ात बताते हैं कि बदकस्मती से अभी तक हम ये मंजिल हासिल नहीं कर सके। मोहतरम हाफ सईद को जुर्म बताए बग़ैर नज़रबंद किया गया अब तक इसकी तीन तोजीहत सामने आई हैं जिनमें से हर एक दूसरी से बढ़कर शर्मनाक है अवलन ये कि ट्रंप ने अमरीकी सदर का हल्फ उठाते ही जिस जारहाना अंदाज से काम का आगाज किया है सात इस्लामी के ममालिकहरीों का अमरीका में दाखिला बंद किया है और वहाँ से ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि जल्द पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर दिया जाएगा और पाकिस्तानियों पर भी अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी लग जाएगी लिहाजा हुकूमत ने खौफजदा होकर नई अमेरिकी इंतजामिया को सिग्नल दिया है कि वो डू मोर के हर मुतालबे पर किसी किस्म की किसी किस्म के पेश के बगैर अमल करेंगे ब्रा करम हम पर रहम फरमाएं। गोया हाफ साहब की नज़रबंदी एक पेशबबंदी है पीएमटिव मैयर है सानियन ये और दूसरी वजह ये हो सकती है कि वजी अजम नवाज शरीफ पानामा लीक्स के फैसला के नतीजा में अपनी वजारत उज्मा को खतरे में महसूस कर रहे हैं लिहाजा उन्होंने मगरब और अमरीका को एमरजेंसी कॉल दी है कि मेरी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो पाकिस्तान में आपके अजायम और एजेंडे की तकमील में बहुत बढ़ चढ़ कर मावन व मददगार होगी लिहाज़ा इसे यानी मेरी हुकूमत को बचाने और कायम रखने की कोई सबील करें हकीकत में हमारा हमारा माजी गवाह है कि यहाँ अमरीका ने कैसी कैसी पसंदीदा हुकूमतें बनाईं और नापसंदीदा हुकूमतें गिराईं। लिहाजा किसी भी इकतदार परस्त हुकमरान से ये गैर मुतव नहीं तीसरी वजह ये हो सकती है कि हमारी खुफिया एजेंसीियों को ये इतला मिली थी कि मोदी सरकार ने रा के कुछ एजेंट पाकिस्तान में दाखिल कर दिए हैं जो हाफज सईद को दहशत गर्दी की किसी वारदात में शहीद कर देंगे और फिर पाकिस्तान में इसे भारत की तरफ़ से कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिया जाएगा लिहाजा उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उन्हें घर में नज़रबंद किया गया है हम हरगिज़ हरगिज़ ये दावा नहीं करते कि हाफिज साहब की नज़रबंदी की मजकूरा वजूहत मुस्त हैं और मौकर जराए से हम तक पहुँची हैं लेकिन ये तो हकीकत है कि ये वही हाफिज सईद हैं जिन्हें हमारी मौजद अदालतें तमाम किस्म के इल्ज़ाम से बरी करके उन्हें कानून का पाबंद शहरी करार दे चुकी हैं फिर आखिर उनकी नज़रबंदी की क्या वजह है और अगर उनका कोई ताज़ा जुर्म सामने आया है तो उसका सर आम ऐलान किया जाए उन पर मुकदमा कायम किया जाए जुर्म के हवाले से एफ आई आर काटी जाए और उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए काबिल गौर बात यह है कि अगर अदालतें हाफिज सईद को बरी करके बाइज़्ज़त शहरी करार देती हैं तो इस हकूमती कदम का इसके सवा क्या मतलब लिया जाए कि हमारी हुकूमत खुद ही अपने अदारों की तोहन कर रही है क्योंकि वो अदालत के फ़ैसले को नज़रअाज करके उनकी आज़ादी ख़त्म कर रही है लिहाजा हमारे पास इसके सवा कोई चारा नहीं कि हम ये तस्लीम कर लें कि हाफिज साहब की नज़रबंदी की वजूहत वही हैं जिनका ज़िक्र हम पहले कर चुके हैं ये इसी तरह की कोई और वजह है जो हुकूमत अवाम को बताने से कसर है बहरहाल हम इन ही इसबाब का दिक्कत नज़र से तजिया करते हैं अगर ये कदम ट्रंप के जारहाना सदारती आगाज से खौफजदा होकर किया गया है तो फिर किस मुंह से परवेज मुशर्रफ पर इल्जाम लगाते हो कि वो अमरीका से आने वाली एक टेलीफोन कॉल पर डेर हो गया था आपको तो ऐसी कोई कॉल भी नहीं आई थी कि आपकी मकबूलियत और आपका वामी मैंडेट का गर्रा उनके तेवर देख कर ही खाक उलूदा हो गया हमारी राय में यह सबब सबसे ज्यादा साउंड महसूस होता है नवाज शरीफ अमेरिका छोर भारत से भी खौफजदगी का मुजाहरा कर चुके हैं जब पठानकोट में होने वाली दहशतगर्दी की पाकिस्तान की तहकीकती टीम की इस रिपोर्ट के बावजूद कि ये भारत ने खुद ही ड्रामा रचाया था नवाज हुकूमत ने गुजरावाला में नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ एफ आई, आई आर काट कर पाकिस्तान को मुजरम तस्लीम कर लिया था वह भी हुकूमती खौफजदगी का मजहर था और अगर दूसरी बात दुरुस्त है कि अपने इकतदार के लिए ख़तरा भाम कर हाफ सईद को नजरबंद किया गया है ताकि मगरब और अमरीका को ये बावर कराया जाए कि देखो हम तुम्हारे कैसे वफादार हैं इस खत्े में तुम्हारे एजंडे की तकमील के लिए हमारा इकतदार में रहना बहुत मुफी साबित होगा लिहाजा हमारे इकतदार के इसकाम के लिए कुछ करो ऐसी सूरत में यह गद्दारी के मुतरदफ़ है या अपनी खुद ख़ुदमुख्तारी गैरों के हवाले कर देना है और अगर तीसरी बात दुरुस्त है कि रा पाकिस्तान में ऐसे अनासर को दाखिल कर चुकी है जिससे हकूमत को ये ख़तरा लाक हो गया है कि हाफज सईद दहशत गर्दी की किसी वारदात का शिकार हो सकते हैं तो फिर ऐसी हुकूमत और और सिक्योरिटी अदारों पर क्या तबसरा किया जाए जो अपने एक शहरी की हिफाजत करने से कासर है वो रियासत पाकिस्तान की हिफाज़त कैसे करेंगे फिर तो हमारे हुक्मरान सिक्योरिटी रिस्क हैं उन्हें रियासत की हिफाजत की ज़िम्मेदारी देना इंतहाई गलत और खतरनाक है यहाँ ये वजात अजहद जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ही वो वाद हुकूमत है जिसने गुलामाना तर्ज और रवैया अख्तियार किया हुआ है हकीकत यह है कि गुजशत सत्तर साल में बदकस्मती से पाकिस्तान को कोई ऐसा हुक्मरान ना मिल सका जो बैन अवामी आकाओं से निजात दिलाता जो दरल्ले से ये कह सकता कि फलाम बात हमारे मुल्क के मफाद में नहीं या हमारे दीन के मुताबिक नहीं लिहाजा हम इसे तस्लीम नहीं करते बल्कि हमने इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन ताबूती कुतों की फरमा बरदारी का मुजाहरा करते हुए हर ऐसे मौका पर सरे तस्लिम हम किया जो मजाज़ गैर में आया और अपना म, और अपना मफाद ही नहीं दीनी शायर भी तर्क करने से गुरेज न किया और और हर उस शख्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जिसने इन कुवतों के रास्ते में मजाहत करने की कोशिश की लिहाजा बेगानों से क्या गिला शिकुआ करे अपनों ने ही लुटिया डबो दी है क्या हुक्मरान और बीस करोड़ अवाम की अक्सरियत ये समझना चाहेंगे कि हम अपनी गर्दन से ग़ुलामी का ये तो कैसे उतार सकते हैं गुलामी की इन जंजीरों को कैसे तोड़ा जा सकता है सब जानते हैं मगर जानते हुए भी अनजाने बने हुए हैं अल्लाह से किए गए वादे को पूरा करो वो ख़्वाब जो उन्नीस सौ चालीस में देखा था उसे शर्मिंदा तबीर करने की ज़रूरत है नज़रिया पाकिस्तान कोई इल्मी मसला नहीं इसे अमली तौर पर नाफ़ करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को अगर सेकुलर रियासत बनना होता तो हिंदुस्तान से अलग होने की और मालो जान और इज़्ज़त की इतनी कुर्बानियाँ देने की क्या ज़रूरत थी आकाश अहले पाकिस्तान खूस हमारे हुक्मरान अब इतनी ठोकरें खाने के बाद ही ये समझ जाएँ कि सरात मुस्तकीम को अख्तियार करना होगा कज रवि इस गारी को खाई में गिरा देगी और दुश्मन कोवतें कभी आपसे राज़ी न होंगी जब तक आप अपना दीन छोड़ कर उनके दीन को इख्तियार नहीं कर लेते यही फैसला कुरान ने दिया है हमें इसे मिनो अ तस्लीम करना होगा और यही मुस्तबिल का लाहे अमल होगा भारत हो या अमरीका हमें किसी से जंग नहीं करना लेकिन हमारे कश्मीरी भाइयों को पैलेट गन से अंधा किया जाता रहे खुतिन की इज़्ज़त पामाल की जाए नौजवानों को गायब कर दिया जाए या गोलियों से बूंद दिया जाए हमें यह कब तक बर्दाश्त करना है इसका कोई हल तो निकालना होगा हम कब तक खामोश तमाशी बनकर कर रियाती दहशत गर्दी बर्दाश्त करते रहेंगे इस तरह अगर अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रम्प इस्लाम और मुसलमानों को सफा हस्ती से मिटाने की कोशिश करता है तो क्या हमें मज़ात भी नहीं करना चाहिए क्या हम गर्दन झुका कर ख़ुद को बा होने के लिए पेश कर देंगे कुछ तो करना होगा सोचिए ज़रा जहन पर जोर डाल कर सोचिए क्या हमारे बचने का इसके सवा कोई रास्ता है कि हम हकीकत में मुस्तफ़वी हो जाएं और अल्लाह के दामन से चिमट जाएँ हरगिज हरगिज नहीं कोई दूसरा ऑप्शन नहीं तो फिर आगे बढ़िए खुद मुसलमान बनें यानी हकीकी मुसलमान और दूसरों को ये राह दिखाएं और नफाज इस्लाम के लिए अमली कदम उठाएं व दवाना अनिल हमदुल्लि रब्बिलमीन